आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुप की। ग्रुप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ यह बीएससी लेवल पर लीनियर एल्जेब्रा में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रुप के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की डिफिनेशन क्या है और किसी भी सेट को ग्रुप कब कहा जाएगा, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो करने पर किसी सेट को हम कहेंगे कि ये सेट क्या है, ग्रुप है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप क्या होता है। ग्रुप एक सिस्टम होता है जी कॉमा ओ का, जिसमें जी जो होगा एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, एक ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट होना मस्ट है और ओ एक उस सेट का ऑपरेशन होगा। ये सिस्टम जो ऑपरेशन है ओ है, ये ऑपरेशन क्या होगा, जी क्रॉस जी टेंस टू जी पे, और इसको डिफाइन करेंगे ए ऑपरेशन बी। तो आइए इसकी सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन है अ सिस्टम कंसिस्टिंग में क्या है बेटा, अ नॉन एम्प्टी सेट जी एंड अ ऑपरेशन ओ होगा, जी क्रॉस टू जी टेंस टू जी, डिफाइंड बाय ओ ए कॉमा बी इक्वल ए ऑपरेशन बी, वेयर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी इज कॉल्ड ग्रुप। If it satisfies following property, ये कहता है कि सिस्टम जीओ कंसिस्टिंग अ नॉन एम्प्टी सेट जी, एक नॉन एम्प्टी सेट जी होना चाहिए एंड अ ऑपरेशन ओ जी क्रॉस टू जी टेंस टू जी डिफाइंड बाय ओ ए बी इक्वल ए ऑपरेशन बी फॉर एवरी ए बी, यानी जो ए बी हमने एलिमेंट लिए हैं वो कहां पे होने चाहिए, ग्रुप में होने चाहिए, जी में सेट में होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम इसको क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे इफ यदि ये सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए इसको समझते हैं। पहला जो लॉ है जिसको इस प्रॉपर्टी है जिसको इसको फॉलो करना चाहिए, क्लोजर, क्लोजर लॉ क्या कहता है बेटा, क्लोजर लॉ कहता है फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, यदि ए बी जो एलिमेंट हैं, सारे ए बी एलिमेंट जो हैं कहां बिलोंग करते हैं, जी में कर रहे हैं, सो क्लोजर लॉ कहता है तो ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू जी। तो ए ऑपरेशन बी अगर किया जाएगा तो जो एलिमेंट आएगा वो कहां पे बिलोंग करेगा,
जी में करेगा। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कहता है फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जी, यानी कि ए बी सी तीन एलिमेंट है और कहां बिलोंग करते हैं, जी से। तो ध्यान देंगे कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए इक्वल हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी कि ब्रैकेट को चाहे हम ए और बी को ऑपरेशन करके फिर जो रिजल्ट आए फिर उसको ऑपरेशन सी से करें, या बी और सी में ऑपरेशन लगा करके जो रिजल्ट आए फिर उस रिजल्ट का ऑपरेशन ए के साथ किया जाए, तो दोनों में क्या होगा, सेम आंसर आना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है वो एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में कहता है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि ई कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, जी में। ई क्या है, आइडेंटिटी ग्रुप के अंदर जहां भी स्मॉल ई का यूज किया जाता है तो एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कहां एग्जिस्ट कर रहा है, जी में, और ये है ए ऑपरेशन ई कर दिया जाए तो क्या आ जाए, ए आ जाए, और फॉर एवरी ए बिलोंग टू एवरी ए बिलोंग टू जी, यानी जो ए एलिमेंट हमने लिया है वो कहां बिलोंग कर रहा है, जी में कर रहा है। क्लियर। फोर्थ लॉ इनवर्स। इनवर्स लॉ में, इनवर्स लॉ में सपोज कीजिए कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी और एग्जिस्ट कर रहा है कहां, इसमें क्या कर रहा है एग्जिस्ट, इनवर्स इस एलिमेंट ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट कहां कर रहा है, जी में। तो ए इनवर्स लॉ कहता है कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स, यानी कि उसी एलिमेंट के इनवर्स से उसका जब ऑपरेशन किया जाएगा तो आपका क्या आएगा, रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो यदि इन चारों लॉ को कोई सेट फॉलो करता है तो हम उसको नाम देते हैं ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कोई हमने सेट लिया है और वो क्या करता है, केवल क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, तो उस सेट को हम कहेंगे, नाम देंगे ग्रुप आइडेंटिटी। तो उसको क्या नाम देंगे, ग्रुप आइडेंटिटी। और यदि कोई सेट ऐसा है जो क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है साथ ही साथ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, बात समझ रहे हैं कि क्लोजर लॉ तो फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है लेकिन उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तब हम उस सेट को कहेंगे सेमी ग्रुप। तब उस सेट को क्या कहा जाएगा, सेमी ग्रुप। अब आता है आइडेंटिटी। यदि कोई भी सेट है वो क्लोजर लॉ को भी फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है और आइडेंटिटी को भी फॉलो कर रहा है, यदि वो तीनों को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है उसको नाम देंगे सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, और इसी को नाम दिया जाता है मोनाइड। इसी को एक नाम और दिया जाता है
मोनाइड, या तो हम कहेंगे कि सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, या क्या नाम देंगे, मोनाइड देंगे। और यदि वह जो सेट है क्लोजर लॉ को भी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है, आइडेंटिटी को भी फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ उसमें जो है इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, उस सेट में क्या कर रहा है, इनवर्स भी मिल रहा है, तो ऐसे सेट को हम नाम देंगे ग्रुप। सेट को क्या नाम देंगे, ग्रुप कहेंगे। अब एक चीज और आपको समझना है, एबेलियन ग्रुप। देखिए, यदि कोई सेट है जो कि इस एडिशनल प्रॉपर्टीज को तो फॉलो कर रहा है, यानी इन चारों लॉ को तो फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ वो क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ऐसे सेट को हम क्या नाम, ग्रुप को क्या नाम देंगे, एबेलियन ग्रुप। बात समझिएगा कि कोई सेट है वो क्या कर रहा है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स को फॉलो कर रहा है, उक्त तो ग्रुप हुआ, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है, तो ऐसे सेट को हम नाम, ग्रुप को नाम देंगे एबेलियन ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कीजिए कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, और ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए। बात समझ रहे हैं कि ए बी दो एलिमेंट हैं, कहां बिलोंग करते हैं, ग्रुप में। तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए, तो ए आपका हो जाता है ग्रुप की डिफिनेशन। जब एग्जाम में ग्रुप की डिफिनेशन आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहां इनवर्स तक की बात करेंगे, लेकिन यदि एवेलियन ग्रुप की बात करता है तो हम क्या करेंगे, इस पांचवे लॉ को भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तब हमारा ये पांच लॉ के बारे में बात होगी। अब इसी चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझा जाता है। डिफिनेशन के बाद आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि ये पूरी जो डिफिनेशन है एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए, हमको जो सेट देगा वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो फाइनाइट सेट होगा या फिर इनफाइनाइट सेट होगा। तो हम पहले समझते हैं इनफाइनाइट सेट को, कैसे चेक करेंगे कि वो ग्रुप है कि नहीं, फिर उसके बाद फाइनाइट की बात करेंगे। फाइनाइट के लिए कंपोजिट टेबल बनती है, तो अभी शुरू देखते हैं इनफाइनाइट ग्रुप को कैसे चेक किया जाता है। तो सपोज कीजिए ए, एन का मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का सेट ले लिया तो उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इनफिनाइट तक जाता है। अब आपने इसका साथ एक ऑपरेशन लेंगे, सपोज कीजिए हमने ऑपरेशन क्या लिया, प्लस। इस सेट में हमने क्या लगाया, ऑपरेशन प्लस लगाया। तो क्लोजर लॉ क्या कहता है बेटा, ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू जी, और ए बी क्या है, सेट के एलिमेंट, यानी इस सेट से दो एलिमेंट लेना है और उनमें क्या करना, ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन के कौन सा लगाना, प्लस का लगाना। तो समझिए, अगर हम 3 और 4 दो नंबर लिए, 3 प्लस 4, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 3, 4, 7। 7 भी एक क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो यानी कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो प्लस ऑपरेशन के साथ क्या करता है, क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। फिर सेकेंडरी आता है एसोसिएटिव लॉ, तो इसमें कहता है ए बी सी तीन एलिमेंट लेना है जो सेट के अंदर आते हो। तो हमने सपोज की लिया 3, 4, 5, हम एग्जांपल में 3, 4, 5 दे रहे हैं, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो आइए
एसिडिटी लगता है, कहता है बेटा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो देखिए ए की जगह है 3, बी की जगह है 4 और सी की जगह है 5। तो वैल्यू पुट कर देते हैं और ऑपरेशन क्या है बेटा प्लस का, तो 3 प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो गया और प्लस 5 इक्वल 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 3 और 4 7 प्लस 5 इक्वल 3 प्लस 9। देखिए 7 5 कितना हुआ 12 और 3 और 9 इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो प्लस ऑपरेशन के साथ क्या करता है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब आती है बात आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के कहता है कि ए ऑपरेशन ई इक्वल ए आना चाहिए। अब हमको ये चेक करना है कि जो ई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे सेट में है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कोई नंबर ले लें, जैसे लिया है हमने ए की जगह क्या लिया 3, तो 3 ऑपरेशन क्या है प्लस इक्वल कितना आना चाहिए 3। तो हम लोग सभी जानते हैं कि अगर 3 में हम क्या ऐड कर दें कि वो 3 ही बना रहे, तो हम सभी जानते हैं वो नंबर क्या है 0। 3 में जब 0 ऐड किया जाता है तो 3 ही आता है रिजल्ट। लेकिन 0 क्या है नेचुरल नंबर है नहीं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है प्लस ऑपरेशन के साथ वो क्या करता है केवल एसोसिएटिव लॉ को ही फॉलो करता है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। तो ए क्या कहलाएगा, ये जो सेट है इस सेट को हम नाम देंगे सेमी ग्रुप। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा प्लस ऑपरेशन के साथ वो सेमी ग्रुप बनाएगा। क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम लोग इसी चीज को बात करते हैं, नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं और ऑपरेशन लेते हैं डॉट मल्टीप्लाई का। डॉट का सेंस मल्टीप्लाई से होता है। तो आइए अगर हम देखते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे क्लोजर ला, सेम नंबर लेते हैं 3 4, तो ये क्या कहता है ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू जी, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा 12। भी क्या है नेचुरल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो डॉट ऑपरेशन के साथ क्या करता है क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। तो हमने एलिमेंट क्या लिया बेटा 3 4 5, एलिमेंट भी सेम रखा। तो अब क्लोजर आप इसे देख ट्राई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 4 × 5, यहां देखें 3 × 4 × 5, 3 × 4 = 12 × 5, 3 × 4 = 5 = 20, तो ए हो गया 60 = 60। तो हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या करता है क्लोजर लॉ के साथ साथ एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब आती है आइडेंटिटी की बात कि आइडेंटिटी इस सेट में है कि नहीं। तो आइडेंटिटी के लिए सेम सा ऑपरेशन है बेटा ए ऑपरेशन ई इक्वल ए, तो कोई भी एलिमेंट ले लें उसमें ऑपरेशन लगा दें और वही एलिमेंट आना चाहिए। तो हमने क्या किया एक 3 लिया है एक जगह, तो 3 लिया फिर क्रॉस इक्वल कितना आना है 3। तो हम सभी जानते हैं कि 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो रिजल्ट क्या आ जाए 3, तो नंबर क्या होगा 1 3 1 3। तो क्या 1 नेचुरल नंबर है, हम देखते हैं कि पहला नेचुरल नंबर ही 1 होता है, तो यानी कि ये क्या है इस सेट में मिल रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी भी इसमें क्या होता है इस नेचुरल नंबर के सेट में डॉट ऑपरेशन के साथ
रहता है। अब आते हैं इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या कहता है कि आपका ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल क्या हो जाना चाहिए, ई। ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल ई। कहने का सिंपल सी बात है कि ए एक एलिमेंट लिया हमने सेट से, उसमें ऑपरेशन लगाया, रिजल्ट क्या आना चाहिए, ई, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। और अभी आपने देखा कि नेचुरल नंबर के साथ डॉट का जो ऑपरेशन लगता है तो आइडेंटिटी क्या आता है, वन। तो हाँ, जैसे हमने थ्री लिया, थ्री ऑपरेशन क्या है, डॉट, इक्वल क्या आना चाहिए, वन। तो इसमें हम थ्री में क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि वैल्यू क्या आ जाए, वन आ जाए। हम सभी जानते हैं कि वन बाई थ्री, भाई वन बाई थ्री जब थ्री कैंसिल हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। लेकिन क्या ए इनवर्स एलिमेंट जो वन बाई थ्री है वो एग्जिस्ट करता है इस सेट में, नहीं। एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर जो होता है फ्रैक्शन या रेशनल नंबर कहा जाए तो इसमें नहीं आता है। तो ए जो सेट हुआ हमारे पास वो क्या करता है, क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, आइडेंटिटी को फॉलो करता है, लेकिन उस सेट में इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी या मोनाइड। तो इस सेट को हम नाम दे सकते हैं सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी या इसी को नाम देते हैं मोनाइड। ये तो हो गया। इसके बाद अगला हम लेते हैं इंटीजर का सेट। आप देखते हैं कि हमारा जो इंटीजर्स होते हैं क्या वो इसको फॉलो करते हैं, कहां तक होता है, ग्रुप बनाते हैं कि नहीं। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट ऑफ इंटीजर क्या होंगे, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, जीरो वन टू थ्री। अब इसी पर चेक करना है तो एक हम कर लेंगे, करके दिखाते हैं आपको एग्जांपल में, बाकी आप अपने से करिएगा। तो एक ऑपरेशन हमने ले लिया इंटीजर का प्लस का। तो देखिए क्लोजर लॉ, कोई भी नंबर लें ऑपरेशन प्लस करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो ग्रुप में करेगा, नेचुरल नंबर हम लोग उसको चेक कर चुके हैं। एसोसिएटिव लॉ ये भी फॉलो करेगा क्योंकि इसको भी हम चेक कर सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का सेंस क्या होगा, ए ऑपरेशन ई इक्वल ए, सो 5 प्लस 5 क्या आना चाहिए यहाँ पे, 0। और 0 क्या होता है, इंटीजर में आता है, यानी ए भी इसको फॉलो करेगा। इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इनवर्स के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल क्या आना चाहिए, ई। तो हम सभी देख लिए हैं प्लस के लिए क्या है आइडेंटिटी, 0। तो 5 प्लस 0 तो अब हमको ये देखना है बेटा कि प्लस में ऐसा क्या ऐड करें, इस 5 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए। तो हम सभी जानते हैं कि अगर माइनस 5 ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या माइनस 5 इसके अंतर्गत आता है, तो यस, माइनस 5 भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है इस इंटीजर में, क्योंकि माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 इनफिनिट तक जाता है नंबर। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो इंटीजर है वो क्या करता है, क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, आइडेंटिटी को फॉलो करता है और इनवर्स को भी फॉलो करता है। जब इनवर्स को फॉलो करता है तो निश्चित है कि वो क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। अब वो ग्रुप बना रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या वो एबिलियन ग्रुप तो नहीं है, और एबिलियन ग्रुप को करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हमको कम्युनिकेटिव लॉ को देखना है। तो इसको देखने के लिए क्या नियम है बेटा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए। तो अगर हम दो नंबर सेट से लें और दोनों को क्या करें ऑपरेशन लगाएं, ए ऑपरेशन बी करें या बी ऑपरेशन ए करें, रिजल्ट क्या आना चाहिए सेम। तो हमने दो नंबर लिया 5 and 6, ऑपरेशन क्या है प्लस, फिर 6 plus 5, तो हमने क्या देखा 11 equal 11, यानी कि वो क्या करता है कम्युनिकेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या नाम देंगे एबेलियन ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर का जो सेट होता है वो प्लस ऑपरेशन के साथ क्या करता है एबेलियन ग्रुप बनाता है। एबेलियन ग्रुप बनाता है। तो एक बात हो गई हमारी ग्रुप की डिफिनेशन की और उसके एग्जांपल।